मैं तो यूं कहूंगा सारी चीजें एक तरफ और मुनावर फारूकी का स्टैंड अप और शायरी आया है ऐसा दिल पे अटैच करते हैं ना मुनावर, ऐसी ऐसी पिकअप लाइंस लेकर कर आता है जिसे सुनकर के सारे दंग रह जाते हैं, कहते हैं यार ये बंदा आखिर लिखता कहाँ से, मतलब इसका दिमाग कितना शातिर दिमाग है कितना, कहते हैं ना मजा आ जाता है। जब मुनावर फारूकी एलपीयू यूनिवर्सिटी के इवेंट में गए थे तो जाहिर सी बात है ये स्टैंड अप हुआ, मोटिवेट स्पीच हुई, उसके बाद जो हुआ जाहिर सी बात है जब मुनावर जा रहे ऐसे तो नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक शायरी नहीं सुना दोगे भाई नहीं जाने देंगे। आपको पता ही ज्यादातर अगर मुनावर फैंस जब मुनावर फारूकी लाइव आते हैं ना तो मुनावर फैंस की जो डिमांड होती है कि भाई शायरी बोल दो, एक शायरी सुना दो, हर किसी की यही डिमांड होती है। तो जाहिर सी बात है जब बंदा मुनावर उन लोगों के सामने खड़ा हुआ होगा तो डिमांड तो शायरी की होगी होगी, और मुनावर ने ऐसी शायरी बोली है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहते ना हम तो सुनते के सुनते रहेगा, मतलब शौक ही रहेगा कि यार ये बंदे ने किसके ऊपर शायरी मार दी, काफी ज्यादा डीप मैसेज बयान करा है मुनावर फारूकी ने अपनी शायरी में। एक तो इसकी शायरी वैसी पिकअप लाइंस ऐसी होती है कि डायरेक्ट ही दिल पे कनेक्ट करती है। खुदा ने हर सितारे तुझे बांटे हुए हैं, ये किसी की खूबसूरती के बारे में और प्यार में जीतने के और हारने के बारे में, ठीक है। अब मुनावर ने शायरी ऐसी बोल दी जिसे देखकर के कहते ना शोर शरावा सा मच गया था मुनावर ने, एक तो शुरुआत करी लेकिन जब मुनावर ने एंड करा शायरी का तो ऐसा वो धम सा मच गया, कहते ना पूरे के क्या कहते हैं उसे हॉल में ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी मुनावर के नाम की कि मुनावर मुनावर मुनावर, बंदा कुछ तो है यार मुनावर का, कुछ नेटवर्क तगड़ा बन चुका है। अब मुनावर फारूकी को टक्कर दे पाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। फिलहाल आपको मैं शायरी सुनाता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एंटरटेन हो सके। कि खुदा ने हर सितारे तुझे बांटे हुए हैं, ये किसी की खूबसूरती के बारे में और प्यार में जीतने के और हारने के बारे में, ठीक है। तो खुदा ने तुझे हर सितारे बांटे हुए हैं, हम नायाब ना सही पर फिर भी तराशे हुए हैं, आखिर में जंग हर जीत जाता हूं मैं हर किसी से, हर जंग में जीत जाता हूं आखिर में हर किसी से, बस तेरे आगे हम पहले से हारे हुए।